गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके बड़े भैया अभिषेक सर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बाबू तो बाबू, आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 22 यानी 22 है ना। इसमें हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ दिज दोज है ना, यूज ऑफ दिज दोज। दिस डेट के प्रयोग तो हम लोग सीखिए गए हैं, अब यूज ऑफ दिज दोज। दिज दोज के साथ बोगा हो हमेशा आर का प्रयोग करते हैं, दिज दोज के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो भी नाउन आता है वह हमेशा पूर्ण नाउन आता है, तो क्लियर है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सीखते हैं, एक एक अनुवाद करते चलते हैं। कहता है यह एक बच्चा है, यह एक बच्चा है, तो यह का क्या हो गया दिस, लिखेंगे दिस। दिस के साथ बगो क्या लगाते हैं इज, और उसके बाद ए का क्या होता है, एक का ए चाइल्ड, बच्चा हो गया चाइल्ड, सी एच आई एल डी। आ रहा समझ में, कहता ए बच्चे हैं तो ए का मीनिंग होता है क्या दिज, टी एच ई एस। दिज के साथ हम लोग लगाते हैं आर, और चाइल्ड का पूर्ण होता है चिल्ड्रेन, सी एच आई एल डी आर ई एन, इसमें आर ई एन लगा देते हैं तो पूर्ण हो जाता है। अगला है यह घोड़ा है, तो यह का मीनिंग बताइएगा बगा हो दिस, दिस के साथ हम लोग लगाते हैं इज, उसके बाद घोड़ा, तो घोड़ा की गिनिएगा कि नहीं गिनिएगा ना, तो लिखिएगा ए हॉर्स, एच ओ आर एस ई। अब एक का है लगेगा तो कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, अगर यहाँ वोवेल रहता तो आई लगाते, आया समझ में, तो वोवेल कॉन्सोनेंट तो आपको पता होगा। अगला ये घोड़े हैं, तो ये का मीनिंग बताइएगा बाबा हो दीज, दीज के साथ लगाते हैं आर। अब पहले लिखिएगा घोड़ा के हॉर्स, यहाँ है घोड़े तो क्या लगा दीजिएगा एस, तो हॉर्सेज। वह गाय है, तो वह क्या बताइएगा बाबा हो डाइट, डाइट के साथ क्या लगाते हैं इज, उसके बाद गाय के, गाय की गिनिएगा कि नहीं, हाँ तो गिनिएगा तो क्या लगाएंगे ए काऊ। अब यह कहे लगेगा, कहे कि सी है कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है। वे गाय है, तो वे का मीनिंग बताइएगा बाबा हो दोज, और दोज के साथ हम लोग लगाते हैं आर, गाय के क्या हो गया काउज, सी ओ डब्ल्यू एस। यह बैल है, तो यह का क्या हो गया दिस, दिस के साथ क्या लगाते हैं बाबा हो इज। अब बैल है, तो बैल के क्या होता है ऑक्स, अब बैल को गिनेगा कि नहीं गिनेगा ना, तो देखिए गिनेंगे तो यहाँ पे वो हमारा क्या है भोवेल है, तो क्या लगा देंगे एन ऑक्स। आ रहा है समझ में, चलिए अगला ए बैल है, तो ये का क्या होता है दीज, दीज के साथ क्या लगाते हैं आर, इसके बाद हमेशा पूरा नाम आता है तो उसका पूरा क्या हो जाएगा ऑक्सेन, ओ एक्स ई एन है ना, सिंगुलर से पूरा उसमें दिया होगा बाबा हो याद कर लीजिएगा है ना। वह लड़की है, तो वह का क्या होता है डैड, डैड के साथ लगाते हैं बाबा हो इज, लड़की के क्या होता है गर्ल, लड़की को गिनिएगा कि नहीं गिनिएगा ना, तो जब गिनेंगे तो शुरू वाला अच्छा दिखे कॉन्सोनेंट ना है तो क्या लगा देंगे ए, कहता वे लड़कियां हैं तो वे का क्या हो गया दोज, दोज के साथ क्या लगाते हैं आर, गर्ल का होता है गर्ल्स, जी आई आर एल एस। अगला बोलो यह नारंगी है, तो यह का क्या हो गया दिस, दिस के साथ लगाते हैं इज, नारंगी के क्या होता है ऑरेंज, ऑरेंज में देखिएगा शुरू वाला अक्षर क्या है ओ है भोवेल है, तो क्या लगा देंगे एन। आ रहा समझ में, अगला देखिए कहता ए नारंगिया है, तो ये का क्या हो गया दिज, दिज के साथ हम लोग लगाते हैं आर, नारंगिया के क्या हो गया ओ आर ए एन जी ई एस ऑरेंज। अगला यह अंडा है, तो यह का मीनिंग बताइएगा बाबा हो दिस, दिस के साथ क्या लगाते हैं इज, और अंडा का क्या होता है एग, एग में देखिए को गिनिएगा कि नहीं गिनिएगा ना,
तो एक का पहला अक्षर देखिएगा ई है भावेल, तो क्या लगा देंगे एन। ये अंडे हैं तो ये का क्या हो गया दीज, अधीज के साथ बगा हो आर, अंडे के क्या हो गया एग्स। अगला वह थैला है तो वह का क्या हो गया डाइट, डाइट के साथ बगा हो इज। थैला का क्या होता है तो बैग होता है, क्या होता है बैग। अब बैग को गिनिएगा कि नहीं तो बोलिएगा हाँ। तो शुरू वाला अच्छा देखिएगा बी कॉन्सोनेंट है तो क्या लगा देंगे ए बैग। वे थैले है तो वे का क्या हो गया दोज, दोज के साथ बगा हो आर, थैले का क्या हो गया बैग, पूर्ण रूप लिखेंगे बैग। वह बक्सा है तो वह का क्या हो गया डैट, डैट के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं इज। अब बक्सा का क्या होता है बॉक्स, बक्सा बक्सा की गिनिएगा कि नहीं तो हाँ। तब इसका पहला अक्षर देखिएगा बी हमारा कंसोनेंट है तो क्या लगा देंगे ए बॉक्स। वे बक्से हैं तो वे का क्या हो गया दोज, दोज के साथ आर, बक्सा बक्सा के हो गया बक्से के हो गया बॉक्से, एस लगाएंगे इसमें पूर्ण में। यह शहद है तो यहाँ का बताइएगा बगहो दिस, दिस के साथ बगहो इज, शहद के क्या होता है हनी एच ओ एन ई बाई। अगला वह चीनी है, देखिए हनी को गिनेंगे नहीं ना, तो हनी को नहीं गिनेंगे तो यहाँ पे ए आई एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जिसको नहीं गिनेंगे, जिसको नहीं गिनेंगे तो उसमें ए आई एन का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। चलिए अगला वह चीनी है तो वह का क्या हो गया डाइट, डाइट के साथ बगा हो इज, चीनी के क्या होता है सुगर, सुगर को गिनिएगा तो नहीं, तो नहीं लगाएंगे। यह रमेश है तो यह का क्या हो गया देश, देश के साथ इज, रमेश का क्या होता है रमेश नाम है तो लिख दीजिए आर ए एम ई एस एच। अब देखिए रमेश नाम है तो नाम के पहले ए या एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। वह उषा है तो वह का क्या हो गया डैट, डैट के साथ बगा हो इज, उषा के उषा यू एस एच ए, उषा नाम है तो नाम के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। आ रहा है समझ में, है ना। तो चलिए एक बार बगा रिविजन कर देते हैं। कहता यह एक बच्चा है तो दिस इज ए चाइल्ड, ये बच्चे हैं दीज आर चिल्ड्रेन, यह घोड़ा है तो दिस इज ए हॉर्स, ये घोड़े हैं दीज आर हॉर्सेज, वह गाय है डैट इज ए काऊ, वे गाय हैं दोज आर काऊज, यह बैल है दिस इज एन ऑक्स, ये बैल हैं दीज आर ऑक्सेन, वह लड़की है डैट इज ए गर्ल, वे लड़कियां हैं दोज आर गर्ल्स, यह नारंगी है दिस इज एन ऑरेंज, ये नारंगियां हैं दीज आर ऑरेंजेज, यह अंडा है दिस इज एन एग, ये अंडे हैं दीज आर एग्स, वह थैला है डैट इज ए बैग, वे थैले हैं दोज आर बैग्स, वह बक्सा है डैट इज ए बॉक्स, वे बक्से हैं दोज आर बॉक्सेज, यह शहद है दिस इज हनी, वह चीनी है डैट इज सुगर, यह रमेश है दिस इज रमेश, वह उषा है डैट इज उषा। बताइए मजा आया कि नहीं आया, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, ईमानदारी से बताइएगा सच्चे सच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। बबुआ हो सीख रहे हैं ना, तो वीडियो का लाइक कर दीजिए ना, और जो बबुआ नायका है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, है ना। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना।